आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ है केस? दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, भिंडी बाजार की सड़कों पर कैसे हुआ बैंकरों का विरोध? दिल्ली मुंबई से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दिल्ली मुंबई। दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस ने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। विधायक के खिलाफ NIA की DSP ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया है कि छापे के दौरान विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने आकर काम में बाधा उत्पन्न की। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 5000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5739 मामले सामने आए। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 30000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 375750 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में GST अधिकारियों ने फर्जी बिल बनाकर करोड़ों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। अवैध धंधे में 1278 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाने का मामला सामने आया है। इनके जरिए अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है। मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में 21 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। युवक के ऊपर 30 से ज्यादा वार किए गए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक को पहले घसीटा गया और फिर कैसे चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया गया। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक मुखबिरों की मिली सूचना के आधार पर इन सभी की गिरफ्तारी की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान से मुंबई के भिंडी बाजार के मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी दर्ज कराई है। मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाके भिंडी बाजार में उनके पोस्टर को सड़क पर चिपकाया। लोगों ने पोस्टर के ऊपर से गुजरकर अपना गुस्सा व्यक्त किया। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बांद्रा कोर्ट के बाद अब अंधेरी कोर्ट ने दोनों बहनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। पेशे से एडवोकेट और शिकायतकर्ता काशिफ अली खान ने अंधेरी कोर्ट में रंगोली और कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें देश में दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों के ट्रेन में सफर करने की मांग को लेकर खत लिखा है। अब तक सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को अनुमति दी गई है। रेलवे ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मुंबई में लॉकडाउन के चलते गई एक मां की नौकरी जाने के बाद जीविका चलाने के लिए उनका बेटा घर घर जाकर चाय बेच रहा है। सुभान शेख दक्षिण मुंबई के अंजुमन स्कूल का छात्र है। पिछले 5 महीनों से वह थर्मस पॉट और साइकिल का उपयोग कर चाय बेचकर अपना घर चला रहा है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।